सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद बातचीत से सुलझाने के लिए मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा, मीडिया रिपोर्टिंग पर बैन लगाया। 3 सदस्यों वाली मध्यस्थता कमेटी की अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस इब्राहिम कलीफुल्ला करेंगे। श्री श्री रविशंकर और श्रीराम पंचू कमेटी के सदस्य बनाए गए। कोर्ट ने 4 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट और 8 हफ्ते में अंतिम रिपोर्ट देने को कहा। श्री श्री रविशंकर को मध्यस्थ बनाए जाने का असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध किया, कहा इस मुद्दे पर वो भड़काऊ बयान दे चुके हैं। राजस्थान के बीकानेर में वायुसेना का MiG-21 क्रैश हुआ, पायलट सुरक्षित। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने यूपी के 11 और गुजरात के 4 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। राहुल गांधी अमेठी से और सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी ने भी अपने 6 लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। मुलायम सिंह यादव मैनपुरी, धर्मेंद्र यादव बदायूं, अक्षय यादव फिरोजाबाद से चुनाव लड़ेंगे। लखनऊ और गाजियाबाद मेट्रो के उद्घाटन पर अखिलेश यादव का प्रधानमंत्री मोदी पर तंज, ट्वीट कर कहा आखिरी बार पूरा कर रहे हैं उद्घाटन का शौक। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज, गूगल ने डूडल बनाकर महिलाओं को सलाम किया।